वेलकम बैक ऑल ऑफ यू. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग देखेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में अपना पिवट टेबल बनाया था, तो उस पिवट टेबल को यूज़ करके कैसे हम अपने रिपोर्ट के डेटा को फिल करेंगे, रिपोर्ट में डेटा फिल करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये. सो आई होप यू ऑल हैव सीन माई पिवट टेबल वीडियो इन द बेसिक सेक्शन, बिकॉज यहाँ पे हम लोग गेट पिवट डेटा फंक्शन यूज़ करेंगे. आई हैव एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर फंक्शन वेरी नाइसली, वापस से मैं समझाऊंगी इसमें, पर अगर आप वो देख चुके हो तो इट्स बेटर फॉर यू ऑल. तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. अगर लास्ट क्लास में आपने देखा था कैसे हमने ये पूरा पिवट टेबल बनाया था विद दीज वन सेकेंड ये पिवट टेबल हमने बनाया था विद दीज पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स. अब हम लोग को क्या करना है, हमारा मेन एम क्या है? हमारा मेन एम है कि हमारे कैलकुलेशन वाले शीट को हमें फिल करना है. बहुत ही आराम से सुनना एंड बहुत ही आराम से देखना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. तो यहाँ पे हमें निकालना है 2015 का वॉल्यूम. मैं क्या करूँगी, इक्वल टू पिवट टेबल में जाऊँगी, यहाँ पे सम ऑफ वॉल्यूम है 2015 का, इस पर मैं क्लिक करूँगी एंड एंटर. आई गेट माई वैल्यू ओवर हियर. वापस से इक्वल टू किया मैंने, पिवट टेबल में गए, सम ऑफ वॉल्यूम 2015 है, ओके, इस पर मैंने क्लिक किया, एंटर प्रेस करना है, वापस से शीट पे नहीं आना, एंटर प्रेस करना है, अपने आप एक्सेल इस शीट पे रिवर्ट करेगा हमें, एंड वी आर ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन यू दिस फंक्शन विच इज़ गेट पिवट डेटा फंक्शन. ध्यान से समझेंगे, पहला है सम ऑफ वॉल्यूम. सम ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया, जिसका हम कॉलम हेडिंग है सम ऑफ वॉल्यूम, जिसका वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट करें. दूसरा है पिवट टेबल A3, बेसिकली दिस इज़ द शीट नेम एंड द सेल नंबर, यानी कि कहाँ से हमारा पिवट टेबल स्टार्ट हो रहा है. A3 से हमारा पिवट टेबल, एज यू ऑल कैन सी, स्टार्ट हो रहा है. पिवट टेबल A3 से हमारा स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट विच यूल वन सेकेंड नेक्स्ट विच यूल सी इज दैट हमारा सम ऑफ वॉल्यूम हो गया, पिवट टेबल हो गया, एंड देन यू हैव किस ऑर्डर में आपने अपना डेटा निकाला है, मतलब क्या फील्ड्स है, क्या सब फील्ड्स है. पहले मेन फील्ड था सम ऑफ वॉल्यूम, जिसमें आपने बेसिकली आपने सम ऑफ वॉल्यूम निकाला है उस पूरे मंथ का. और क्या आपने फील्ड्स डाला है वो हम देखेंगे. पहला फील्ड इज़ मंथ, एज यू ऑल कैन सी, पहला फील्ड इज़ मंथ. एंड कौन सा मंथ है, फर्स्ट मंथ, जीरो मंथ, 01. आई जस्ट शो वापस से यहाँ पे. हाँ, तो पहला हमारा फील्ड है मंथ, पहला हमारा फील्ड है मंथ, एंड कौन सा मंथ है, 01. सो यू ऑल कैन सी, पहला हमारा फील्ड है मंथ एंड कौन सा मंथ है, 01. नेक्स्ट इज ब्रांड एंड कौन सा ब्रांड है, बर्टिनो. ब्रांड एंड कौन सा ब्रांड है, बर्टिनो. सो बेसिकली हमने क्या निकाला है यहाँ पे, हमने यहाँ पे निकाला है 2015 का फर्स्ट मंथ का बर्टिनो ब्रांड का सम ऑफ वॉल्यूम सोल्ड. आई अगेन रिपीट, 2015 के फर्स्ट मंथ का, देखो यहाँ पे ईयर इज 2015, तो 2015 के फर्स्ट मंथ का ईयर 2015 है एंड ब्रांड बर्टिनो, उसका हमने सम ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया. नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या हमें सम ऑफ वॉल्यूम निकालना है ऑफ बर्टिनो ब्रांड एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, या हमें पूरे 2015 के सारे ब्रांड्स का वॉल्यूम निकालना है? तो आंसर इज येस, हमें 2015 के पूरे मंथ्स का, फॉर ऑल द 12 मंथ्स एंड फॉर ऑल द ब्रांड्स, एंड फॉर ऑल द ब्रांड्स हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे उसका वॉल्यूम निकालना है. सो ये जो भी डेटा है ये सही नहीं है, बिकॉज दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड एंड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, मुझे सारे मंथ्स का साथ में एंड सारे ब्रांड्स का साथ में निकालना है फर्स्टली. सेकेंडली आई शो यू वन थिंग, कैसे हम इसको अपने इस डेटा को और इंटरैक्टिव बना सकते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है हमें, लेट्स सपोज मैंने लिखा, मैंने इक्वल टू पिवट टेबल में जाके ये 2015 वाला सेल सिलेक्ट किया एंड ओके.
तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, 2015 लिखा हुआ गया. प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, आप लोग 2015 टाइप नहीं करेंगे. आई रिपीट, आप लोग 2015 टाइप नहीं करेंगे. सेकेंडली वापस यहाँ पे सेम चीज़ करते हैं, लेट्स गो एंड एक्सट्रैक्ट 2016 ऑल्सो. सो दिस इज 2016, इक्वल टू मैंने डाला उधर, इधर 2016 सेलेक्ट किया, एंटर. अगेन आई एम बैक ऑन दिस शीट, 2015 एंड 2016 यहाँ पे लिखा हुआ है. सो इट्स डन. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को क्या करना है, ये जब हमारा हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है दिस इज फॉर फर्स्ट मंथ एंड बर्टिनो ब्रांड, तो वो मुझे हटाना है. तो वो अब हम कैसे हटाएंगे, सबसे पहले तो हम ये ब्रांड वाला फील्ड ही हटा देते हैं, ब्रांड वाला हम फील्ड ही हटा देते हैं. तो ब्रांड वाला फील्ड बचेगा नहीं, यानी कि सारे ब्रांड्स के लिए मिल जाएगा. फिर हमें सारे मंथ्स के लिए भी चाहिए, तो हमें मंथ्स वाला फील्ड भी हटा देंगे. द मोमेंट आई रिमूव द मंथ्स वाला फील्ड, आई विल गेट द डेटा फॉर द इंटायर 2015 फॉर ऑल द मंथ्स. अब वापस से देखो, सम ऑफ वॉल्यूम, पिवट टेबल A3 जहाँ से मैं पिवट टेबल स्टार्ट हो रहे हैं, एंड फॉर द ईयर 2015 मुझे सम ऑफ वॉल्यूम टोटल मिल जाएगा. आई जस्ट क्लिक एंटर एंड माई आंसर इज देयर. बट एक यहाँ पे चेंज करना है मुझे, मैंने अपना INR इन थाउजेंड्स लिखा था, तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको डिवाइड कर दूँगी बाय थाउजेंड, सो दैट आई गेट माई आंसर इन थाउजेंड्स. मैंने क्या किया, मैंने थाउजेंड से डिवाइड किया, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा था INR इन थाउजेंड्स. So now I have sum of volume of 2015 of all the brands. अब इसको क्या कर, एक यहाँ पे और अपने टेबल को इंटरैक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 2015, इंस्टेड ये क्या है, ये पूरा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो गया है. 2015 जो मैंने यहाँ पे टाइप किया, जो यहाँ पे अपने आप आया आंसर, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. तो इसको मैं कहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगी. अगर इफ़ आई कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर फंक्शन टू 2016, तो वहाँ पे भी 2015 का ही आंसर आएगा. सो ये डिसएडवांटेज हटाने के लिए मैं ये हटा के 2015 ये वाला सेल सिलेक्ट करने, हमेशा याद रखना जो मैंने पिवट टेबल से एक्सट्रैक्ट किया था, ये वाला करोगे तो नहीं आंसर मिलेगा. ये वाला सिलेक्ट करना है जो मैंने पिवट टेबल से एक्सट्रैक्ट किया था. अब इसको मैं खाली ओके करने, सी द सेम आंसर आई एम गेटिंग. अब इस फंक्शन को हम कॉपी करके कंट्रोल वी से, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, एंड दिस इज़ द आंसर विच आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ वॉल्यूम पिवट टेबल योर D2 इज़ योर 2016. सो दिस इज़ माई आंसर फॉर 2016 डेटा. सिमिलरली आई डू इट फॉर ऑल अदर सेल्स एज वेल. ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टेबल को कंप्लीट करेंगे.